आगामी 6 जुलाई को होने वाले बिहार में विधान परिषद के चुनाव को लेकर नॉमिनेशन की प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें कि बिहार में कुल 9 सीटों पर MLC का चुनाव होने वाला है। NDA के खाते में इस बार 5 सीटें हैं, वहीं महागठबंधन में 4। NDA की अगर बात करी जाए तो NDA में 2 सीटें BJP के खाते में और 3 JDU के खाते में, वहीं अगर महागठबंधन की बात करी जाए तो 3 राजद और 1 जो है वो कांग्रेस के खाते में गई। इसको लेकर जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया वो चल रही है, बीते दिनों की अगर बात करिए तो राजद की तरफ से नॉमिनेशन की गई थी, प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन किया था, वहीं अगर आज की बात करिए तो आज NDA के जितने भी प्रत्याशी हैं वो उन्होंने नॉमिनेशन किया। वहीं आपको बता दें कि मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी संग NDA के जो भी बड़े बड़े नेता मंत्री थे वो मौजूद रहे। उसके बाद जब प्रत्याशी बाहर निकलते तो मीडिया से बात करके उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप सुनिए। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम लोगों ने नामांकन किया है, एक एक कर सभी प्रत्याशी गए थे और NDA के 5 प्रत्याशियों ने जाके माइक ऑन नहीं है सर, पूरी तरह से अलग अलग बैठकर सब लोगों ने नामांकन किया है, विश्वास किया है। मैं पार्टी को पूर्ण रूप से यह आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में पूरी मजबूती करने के लिए अपना खून तक लगाने का काम करूँगा। सभी लोग इस बात का माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं और जो आगामी विधानसभा चुनाव होगा उसमें NDA के एक एक उम्मीदवार को हम लोग जिताने का काम करेंगे और फिर से नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का हम लोग काम करेंगे। और अपने अन्य दल के और अपने दल के अन्य नेताओं के लिए भी एक कार्यकर्ता के हैसियत से मैं कोशिश करूँगा कि अपने दल के लिए, जनता के लिए और बिहार के विकास के लिए काम करें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमेशा कहा करते हैं कि किसी के भी कफन में जेब नहीं होती है। जब सत्ता में आए बिहार के राजगद्दी को संभाले और तब से महिलाओं के 50% दिया और आज तक बिहार के जनता के लिए सदा न्याय के साथ उनको सम्मान मिलते रहा है। मैं आज उनके द्वारा जो काम दिया गया है, जो मुझे जिम्मेवारी दी गई है, कल के से ज़्यादा आज मुझ पर जिम्मेवारी है और आगे मैं अपने मुख्यमंत्री को पूरे आधी आबादी के साथ जोर शोर से आगे मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग अभियान में जुटेंगे। जैसा कि आपने सुना, सभी प्रत्याशियों ने कहा कि अगर मुझे चुना गया है इसकी मुझे काफ़ी खुशी है, जिस तरह से हमारे अध्यक्ष ने हमें चुना इसकी काफ़ी खुशी और हम जनता के बीच हर वो मदद करेंगे और राज्य की सेवा के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। वहीं उन्होंने इस चीज़ को भी दोहराते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी हम लोग मजबूती के साथ सरकार के साथ खड़े रहेंगे और फिर से NDA की सरकार 2020 में लाने का भी काम करेंगे, क्योंकि जनता का विश्वास हमारे ऊपर अटूट है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स आपको HS बिहार देते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।